क्यों फाइन मत मारो सर, आप लोग का ही नाम है। गाड़ी हाँ बोलो सर, क्या बोल रहे हैं आप? देखो अगर सब लोग एक जैसा किए ना तो मेरे में और उनमें फ़र्क नहीं दूंगा। लोगों को चाहिए फ़र्क। अगर देखो मैं MS के जैसा साफ बात करने लगा इन लोग के जैसे, तो लोग उन लोग को ही देखेंगे ना, मेरे को क्यों देखेंगे? मेरा खुद का अलग एक पर्सनैलिटी है, ठीक है? तुम मेरे से मेरी पर्सनैलिटी में अच्छी अम्मी जूते मेरे भाई, ये घर नहीं दस जूतों का, फिर भी ये डिब्बे में रखेंगे। ऐसे काम सिर्फ मेरी अम्मी ही कर सकती है। ये खुश, ये मेरे फेयरवेल के शूज है, ठीक है? बस एक बार फेयरवेल में पहना था भाई, बहुत छोटे हो गए। ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेहान, वेलकम बैक टू द चैनल रेहान खान व्लॉग्स। और भाई आज का है ना, आप मेरा लुक ही देख के समझ गए होंगे, आज हम जा रहे हैं खाऊ गली, और खाऊ गली में हम जा रहे हैं आज मोहम्मद अली रोड, है ना? आई थिंक मोहम्मद अली रोड में खाऊ गली है या खाऊ गली में मोहम्मद अली रोड है, भाई जो भी हो आज हम खाने जा रहे हैं और सैरी करने जा रहे हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लोकेशन है रमज़ान में मुंबई में, तो यार देरी किस बात की, चलो चलते हैं। अभी गाड़ी का जो टायर था वही पंचर निकला है, ठीक है? अभी हम जा रहे हैं अपने रिश्तेदार के पास। गाइस हमारी जो यात्रा थी ना वो बीच में रुक गई थी कुछ परेशानियों की वजह से, एक्चुअली टायर पंचर था और हम लोग निकल पड़े, ठीक है? और फिर अभी हम आए हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे चाचा के घर। किसी ने सही कहा है, मुसीबत के वक्त है ना रिश्तेदारी काम आते हैं। तो अभी हमने उनसे स्कूटी ली है, मेरी अम्मी की स्कूटी का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है, तो अब्बा बोल रहे हैं उस पर भी 10,000 फाइन है, तो वैसा रिक्स क्यों लेने का, है ना? नहीं है तो नहीं चलाना चाहिए, तो इसके लिए अभी मैंने चाचा की स्कूटी लिया हूँ। और चलो अभी मैं नहीं चला रहा हूँ, मामू को दूंगा। मज़ा आता है वो सोचो, बट यार रोड एंड ऑल इतना प्यारा है ना मुंबई का, बहुत मज़े आ रहे हैं, ठीक है? हम लोग पहुंच गए, ठीक है? और क्राउड देख सकते हो यार, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है? अभी आगे आगे तो बहुत है, और मेन जो मोहम्मद अली रोड है खाने वाला, उधर तो मां कसम मैं वीडियो देख के ही टेंशन में आ गया भाई। देख सकते हो पार्किंग पूरी फुल है, ठीक है भाई? पूरी फुल है पार्किंग। और भाई ये देख सकते हो अपने नाम की पार्किंग इधर थी, ठीक है, अल रेहान, और इधर ही अपने को पार्किंग मिली है। तो चलो अभी चलते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी। Yes, दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मोहम्मद अली रोड में, ठीक है? और भाई इतने इधर पकवान है ना, इतने डिशेस है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है? इधर क्या खाऊँ, मतलब भाई हर तरह की वैरायटी आपको नॉनवेज में इधर देखने मिल जाएगी। और भाई इसे लोग अब नॉनवेज का पैराडाइज क्यों कहते हैं ना, अब मुझे समझ में आ रहा है। बाय द वे भाई इतने ऑकवर्ड रिएक्शन आ रहे हैं ना लोगों के, इतने हिंदी है यार। तो चलो चलते हैं, चलिए आ जाओ भाई, हाय करो, कैसा लग रहा है भाई? और इस साल तो भाई अलग ही रौनक है, ठीक है? मोहम्मद अली, आपका नाम भाई? अल्तमा शेख। अल्तमा शेख, नाइस टू मीट यू ब्रदर। आपका नाम भाई? तो ये देख सकते हो आप लोग, ये है माला, क्या है चाचा, ये कौन सी जलेबी है? मावा जलेबी, मावा जलेबी है, ठीक है?
भाई ये कुछ यूनिक दिख रहा था अपने को और अपन ने पहले कभी खाया नहीं है। नॉर्मल जलेबी तो बहुत खा चुके हैं बचपन से खाता है। गुलाब जामुन जैसी है। अच्छा चलो अब चाचा इतनी तारीफ कर रहे हैं। नाम क्या है हमारा? लजीज तो है भाई, हर जगह मसाला उड़ रहा है। ठीक है ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई खाऊ गली में आए। जैसा दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो ये है माल पोहा। ठीक है चाचा ये किसका बनता है माल पोहा? अंडे का। अच्छा अंडे और कुछ इंग्रेडिएंट ज्यादा देख सकते हो। अपने चाचा इधर बैठ के माल पोहा बना रहे काफी मोहब्बत में। ठीक है ये देख सकते हो इधर भाई फ्राई कर रहे हैं उसको। मेरे सनम के दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर तेरा नाम। भाई बादाम से के नूरानी बोलो मामू पियो भाई। ये देख सकते हो ये बादाम शेल के गूगल पे ये बादाम मिल्कशेक है। मैंने वीडियो में भी देखा था और काफी लोग इधर भी पी रहे हैं। यार ऐसा क्या है इस मिल्कशेक में अपन देखते हैं। 50 रुपए का ये एक मिल्कशेक मेरे को पड़ा है। ठीक है टेस्ट करो भाई थोड़ा फेस पोच लिप्स पोच। बादाम मिल्कशेक पी रहे हो पता तो चलना चाहिए। के लिए ना थोड़ी स्वीट्स ले रहे हैं। एक्चुअली ये अफलातून है। ठीक है तो भाई जो हर जगह का है ना मुंबई में अफला। हाँ चाचा ऐसा मैंने देखा हर जगह का जो अफलातून रहता है माहिम का हो गया कुरला का हो गया थोड़ा अलग अलग टेस्ट रहता है सबका हल्के में टेस्ट में तुम क्वालिटी होती है सब अलग अलग। अच्छा मोहम्मद अली के अफलातून आई थिंक क्वालिटी के लिए जाना जाता है ना। मोहम्मद अली रोड की। हाँ सो ओके सो इधर की जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है ना तो कैसा बेस्ट है ना। तो दोस्तों अभी हमारी सहरी हो चुकी है और अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी क्या करें। खाना पीना तो पूरा हो गया पेट भी फुल हो गया और मज़ा आ गया भाई आज की सहरी में तो भाई मेरे को मज़ा आ गया। एंड इधर है ना बहुत क्राउड है ब्रो अभी 3:30 हो गए और इतनी क्राउड है इतना शोर है आप मेरे पीछे सुन सकते हो। और बाकी चलो अभी थोड़ा बाहर आते हैं। भाई कौन सा फ्लेवर सीताफल और सीताफल सीताफल कर दो ना भाई। कैसे दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी फेमस है यहाँ मोहम्मद अली रोड में। मतलब कोकोनट क्रीम रहेगा ये आ गया अपना। ठीक है ओके थैंक यू। ये क्या है भाई इसका क्या नाम है? इसका कोकोनट क्रीम विद आइसक्रीम और ये सीताफल फ्लेवर का। अच्छा ये सीताफल और मैंने देखा हुआ आपके पास काफी फ्लेवर्स अवेलेबल है। हम लोग मैंगो भी देते हैं वनीला भी देते हैं चॉकलेट भी देते हैं स्ट्रॉबेरी भी देते हैं और सब सीजनल होता है। अच्छा हम लोग के पास है जो 12 महीने मिलता है क्योंकि हम लोग ना सीजन पे स्टॉक करके रखते हैं। ओके तो आप बहुत सीजन में और रमजान में और कभी भी हम लोग के पास आपको अवेलेबल मिलेगा। ओके हर फ्लेवर अवेलेबल मिलेगा। सबसे बेस्ट वाला जो सीताफल है जो अभी ट्राई कर रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। चलो अभी इतनी तारीफ सुन रहा हूँ मैं और देख रहा हूँ भाई बहुत लोग इसे ट्राई कर रहे हैं तो इसके लिए हम भी एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से आए हो? अच्छा अंधेरी से आए अपने भाई लोग पूरे फ्रेंड सर्कल आए हैं। ठीक है एक बार हाय कर दो भाई सब सलाम कर दो जरा। क्या बात है रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। क्या बात है। थैंक यू सो मच भाई। क्या बात है। दोस्तों अभी मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है भाई ड्राई फ्रूट का भी फ्लेवर आया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने समझा ये इतना फेमस इधर क्यों है। ठीक और साथ में ना भाई ये ऐसा है क्या मतलब ये तो मेन कोकोनट की क्रीम से बनता है ना अंदर का जो मलाई रहता है। हाँ जी तो और उसका जो ये रहता है वाटर कोकोनट ये कोकोनट का वाटर हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री देते हैं। ओके तो कॉम्प्लीमेंट्री आप हाँ ये फ्री रहते हैं ये आप कभी भी आइए कॉम्प्लीमेंट्री आपको कोकोनट वाटर फ्री मिलेगा। ऐसा तो हम लोग बेचते हैं लेकिन आपसे कस्टमर है कोकोनट के लिए तो आपको ये फ्री। क्या बात है ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अभी थोड़ा बंद हो रहा ना मामू हेलमेट निकाल लो ना। जैसे दोस्तों अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं और अभी हमारी सहरी कंप्लीट हो चुकी है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं ना अभी देखो हम लोग को 1 घंटा लगेगा कुछ अप्रॉक्स वही पहुंचने के लिए। कैसा है ना यार मेरा जो घर है ना जहाँ वो एकदम सेंट्रल पड़ता है पूरी मुंबई का सेंटर है ना एक पवई आप कह सकते हो। हर चीज़ मतलब समझ रहे हो एक डिस्टेंस पे है बट हाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है ज़्यादा पास भी नहीं है। सो बाय द वे मैं आपको बता दूँ
क्या बता रहा था मैं भूल जाता हूँ यार, मेरे को बहुत बुरी आदत लग गई है भूलने की। हाँ मेरे को याद आ गया मैं कैसे बोल रहा हूँ जेन्युइन, ठीक है। मुझे बहुत तगड़ी प्यास लगी है, ठीक है, बहुत तेज़ प्यास लगी है। आई डोंट नो बट वो आखिरी में शायद मैंने कोकोनट मिल्कशेक किया था जो कि वर्थ था 220 का पड़ा हुआ हमें एक, बट वर्थ था। सीताफल फ्लेवर हमने ट्राई किया, अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और उसके साथ ही साथ ना अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हो। सो चलो मैं घर पे चल के आपको मिलता हूँ। और अभी तक हमारी सैरी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अब तक मैंने पानी नहीं पिया हूँ भरपेट। बताओ क्या फोटो दिखाओ, बोलो सर क्या बोल रहे हैं आप। दोस्तों अभी मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने मेरे चाचा की स्कूटी भी उन्हें दे दी हूँ और चाबी भी सब मैंने घर पे दे दिया हूँ। बाकी अरे भाई आखिरी में जो फाइन बैठा है ना, मतलब सब अच्छा गया है, पूरा दिन अच्छा गया, बट आखिरी में फ़ाइन ने मूड थोड़ा ख़राब कर दिया। और हम लोग के पास ऐसा नहीं था कि लाइसेंस नहीं था, था बट फिज़िकली अवेलेबल नहीं था, तो फ़ोटो थी हमारे पास, तो उन्होंने बोला कि डिजी लॉकर में चाहिए, तो वो तो हमारे पास इस वक्त नहीं थी। सो अभी उन्होंने भी बोला कि एक बार फ़ाइन पड़ेगा तो आइंदा से नहीं होगा, तो फ़ाइन कट गया 500 रुपया। सो दैट्स इट, चलो अभी चलता हूँ घर पे, पानी बहुत जोर की प्यास लग गई है मुझे। सैरी कर लो, क्यों आ गया, मतलब 500 रुपये फाइन मारे। लाइसेंस था बट लाइसेंस की फोटो थी तो बोले फोटो नहीं थी। होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया, अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार भाई बहुत ज़्यादा थक गए आज, मतलब काफ़ी ज़्यादा। आज है ना मेरा लेग्स डे था जिम में, तो भाई मैंने लेग्स किया हूँ, फिर ऊपर से अभी 5:30 कुछ बजने आए, हमारी सैरी भी कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं सोचा था अभी कल ही हम इधर से, कल कॉलेज में एग्जाम भी है, सो इस ब्लॉग को ज़्यादा और लंबा नहीं करते, इधर ही एंड करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।